मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नई कविता लेकर आई हूं। कविता के पहले कहानियां भी सुनेंगे हम। ये कविता रिमझिम पुस्तक से ली गई है, कक्षा दूसरी पाठ 3। इस कविता का शीर्षक है म्याओ म्याओ। तो जैसा म्याओ म्याओ के नाम से आपको लग रहा है, ये कविता तो बिल्ली की होनी चाहिए। बिल्ली का जिक्र है बच्चों, लेकिन ये कविता चूहे साहब की है। चूहों के बारे में आप तो सभी जानते हैं। चूहे बड़े नटखट होते हैं। कैसे होते हैं? इधर उधर भागते रहते हैं अपने बिल से निकलकर। जब कोई नहीं होता तो अपने बिल से निकलते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आपने टॉम एंड जेरी का कार्टून तो जरूर देखा होगा बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपके मन को भाता भी बहुत है। तो आखिर ये टॉम एंड जेरी में होता क्या है? एक बिल्ली और एक चूहे साहब। बिल्ली मासी चूहे साहब के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वो उनके हाथ आते हैं क्या? कभी नहीं आते। तो बच्चों, आज हम इनकी ही बातें करेंगे। आज हम चूहे साहब की कुछ अनोखी आदतों के बारे में जानेंगे। क्या क्या आदतें हैं उनकी? जब घर के सारे लोग सो जाएं, घर में पूरी तरह से शांति का माहौल हो और बिजली बंद हो जाए, तब क्या करते हैं? ये अपने बिल से धीरे धीरे निकलते हैं और पूरे घर का मुआयना करते हैं बच्चों। और क्या करते हैं, क्या खाते हैं ये? रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, बिस्किट का टुकड़ा और सबसे ज्यादा इन्हें पसंद है चीज खाना। चीज तो इनका फेवरेट खाना है, पसंदीदा खाना है। चीज खाने का मतलब क्या है? इनसे ये चीज खाते हैं तो इन्हें बहुत मजा आता है। इनकी तो उस दिन दावत हो जाती है जिस दिन इन्हें चीज मिल जाए, या इन्हें पनीर का टुकड़ा मिल जाए। फिर तो सब कुछ भूलकर आंखें बंद करके ये बस चीज खाना शुरू कर देते हैं बच्चों। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है और सबसे जरूरी बात, ये गणेश जी की सवारी भी है। ये तो आप सबको पता है ना बच्चों, कितने प्यारे प्यारे चूहे साहब हमारे। ये आ गई हमारी बिल्ली मासी। टॉम एंड जेरी में ये दोनों आपस में क्या करते रहते हैं? एक दूसरे का पीछा। चूहे साहब आगे भागते हैं, पीछे पीछे बिल्ली मासी उनके पीछे पीछे भागती रहती है, लेकिन उनको कभी भी पकड़ नहीं पाती। चूहे साहब उनको चिढ़ाकर भाग जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। आज आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो एक लड़की की कहानी है। एक लड़की अपने कमरे में बहुत आराम से सुकून से सो रही थी। अचानक क्या हुआ, जब उसकी नींद पूरी तरह से वो नींद में गई, तो चूहे साहब ने अपने घर से अपने बिल से निकलना शुरू किया। और क्या किया बच्चों? तो क्या हम सुने उस लड़की की जुबानी? लड़की म्याऊं म्याऊं कविता में क्या बताने की कोशिश कर रही है? सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। वो कहती है कि मैं रात में जब सो रही थी, बहुत प्यार से सो रही थी, अचानक क्या हुआ, एकाएक मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। क्यों रोने लगी? रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चहिया चूट, चहिया कट गई चुट्टी भर। वो कहती, मैं कैसे नहीं रोती, रोना तो मुझे पड़ा, क्योंकि मेरी नाक की नोक पर चुहिया चोटी काट गई। कौन काट गई? चुहिया। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चुहिया काट गई चुट्टी भर। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई,
एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर, सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी, सचमुच बहुत डरी चुहिया से बहुत डरी, खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी अपने घड़ी घड़ी में। अब वो कहती, वो लड़की क्या कहती बच्चों? अब वो कहती, सचमुच मैं चुहिया से बहुत डर गई, चुहिया से सचमुच में बहुत डर गई, चुहिया को देखकर मैं कांपने लगी, चुहिया को देखकर क्या करने लगी, मैं कांपने लगी, सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी, खड़ी देख कर चुहिया को लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बहाना सूझा, एक आइडिया आया। क्या बहाना था वो? कि क्यों ना मैं चुहिया से क्यों डरूं, क्यों ना मैं चुहिया को ही डराऊं, चुहिया को ही डराना चाहिए मुझे, मैं तो चुहिया से बहुत बड़ी हूँ। सोचा तभी बहाना मुझको, मुझको सोचा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। सोई थी मैं एक रात को, एक रात में सोई रोई, एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। तो बच्चों कैसी लगी कविता? मुझे पूरी उम्मीद है आप कविता को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। आत्मसात करने का मतलब बच्चों कविता को याद करना। इसके बाद जब हम फिर मिलेंगे और कविता को आप जब लय से गाते हैं तो कविता आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है। चूही और बिल्ली की, ये थी सारी चूही और बिल्ली की कहानी, एक लड़की की जवानी। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नई कविता या नई कहानी के साथ। तो कक्षा रूम में फिर से हम म्याऊं म्याऊं कविता की बात करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए।